मोतिहारी के ढाका में कोरोना टीकाकरण के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के कारण जमकर बवाल हो गया। दरअसल टीकाकरण केंद्र पर कई गांव के ग्रामीण टीका लेने पहुंचे, जिसके बाद यह सूचना मिली कि कोरोना वैक्सीन अब खत्म हो चुकी है। फिर टीका लगवाने आए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद मामले की सूचना पाकर पुलिस ने स्थिति को किसी तरह संभाला। बहुत ज्यादा हो गया, वैक्सीन नहीं था, वही मुख्य कारण है हल्ला होने का। अभी लोग कह रहे हैं कि दोबारा कैंप लगेगा, लेकिन हम लोग का डर है कि अब हम लोग को जो भी गांव में कहने जाएगा उसको लोग मारेगा। अच्छा, जब वैक्सीन पूरा नहीं जाता एक एक वार्ड करके दीजिए वो अच्छा रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से आदमी आया दोबारा कहने जाएगा कि कोरोना का इंजेक्शन पड़ेगा उसको ही पब्लिक पीटेगा। मोतिहारी से संवाददाता धनंजय इस वक्त खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, मोतिहारी में कोरोना वैक्सीन लेने आए लोगों पर की जो नाराजगी है वो देखी गई, कारण कि वहां पर वैक्सीन खत्म हो गई है, जानना चाहेंगे क्या वहां पर वैक्सीन की कमी देखने को मिली? जी, ये देखा जाए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी विभाग है उसकी उदासीनता का यहाँ जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। जहाँ पे पूर्व से लोगों को ये प्रचारित किया गया था कि कोरोना का टीका लगना है और उस सूचना को लेकर दूर दराज से लोग आए हुए थे, जिसमें खास तौर पे महिलाएं और पुरुष भी थे, लेकिन उस टीकाकरण के दौरान में जितना लोग उपस्थित हुए थे उसके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग से उतना टीका नहीं उपलब्ध कराया गया था, जिसको लेके वहाँ के ग्रामीण पुरुष महिला के द्वारा जमकर हंगामा किया गया है। और इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए स्थानीय पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ, लेकिन वहां उपस्थित जो ग्रामीण पुलिस महिला और पुरुष हैं उन लोगों में काफी आक्रोश है। जी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे हैं कोरोना टीका को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो नाराजगी है बिल्कुल वाजिब माना जा रहा है। तो अब क्या लगता है वर्तमान स्थिति कैसी है, क्या वहां पर स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका उपलब्ध करा दिया गया ताकि जो लोग वहां पर वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं उन्हें वैक्सीन दिया जा सके? जी, वैसे जो स्वास्थ्य कर्मी वहां उपस्थित थे उन लोगों के द्वारा भी समझाया गया और वहाँ जो उपस्थित जो आक्रोशित जो पुरुष महिला जो ग्रामीण आए हुए थे दूर दराज से टीका लेने के लिए उन लोगों को भी समझाया गया है और आश्वस्त किया गया है कि विभाग से जो ही कोविड का टीका उपलब्ध कराया गया जाएगा तो शेष जो लोग बचे हुए हैं उनको दिया जाएगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो कोरोना का टीका की कमी की वजह से ग्रामीणों में जो आक्रोश है, जो नाराजगी है वो देखने को मिला, क्योंकि भारी संख्या में जो लोग हैं वो स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे थे कोरोना से बचाव को लेकर, वो कोरोना का टीका लेने, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि वहां स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका समाप्त हो चुका है, लोगों में जो नाराजगी है वो देखी गई और शायद ये वजह है कि स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों का जो हंगामा है वो देखने को मिला। बहरहाल प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि जैसे ही कोरोना का टीका उपलब्ध कराया जाएगा एक बार फिर से जो सिलसिला है कोरोना का टीका देने का शुरू किया जाएगा।